नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मस्तिष्क ज्वर AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, नर्व की बीमारी की प्रिवेंटिव मेडिसिन निरोधक दवा के बारे में। इसके अलावा जानेंगे चमकी बुखार के लक्षण। चमकी बुखार के लक्षण दिखने पर क्या करनी चाहिए? चमकी बुखार के लक्षण दिखने पर क्या नहीं करनी चाहिए एवं चमकी बुखार की प्रिवेंटिव दवा के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर बीमारियों का असर जल्दी होता है। ऐसे में शरीर कमजोर हो जाता है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमें कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल संक्रमण, वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इंसेफ्लाइटिस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के मरीजों का होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से बचाव रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन निरोधक दवा देने से इस बीमारी के प्रकोप से बचा जा सकता है। चमकी बुखार के लक्षण: तेज बुखार, तेज सांस चलना, उल्टी आना, सुस्ती, बेहोशी, चींटी काटने पर शरीर में कोई हरकत नहीं होना, पूरे शरीर या शरीर के किसी खास अंग में चमकी, ऐंठन, मुंह से झाग आना। चमकी बुखार के लक्षण दिखने पर क्या करनी चाहिए? सबसे पहले बेलाडोना 30 पोटेंसी की 2-2 घंटे पर 3 खुराक जरूर खिलाएं। इसके साथ ही चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। बच्चे को छायादार एवं हवादार जगह पर ले जाएं। शरीर से कपड़े खोल दें। बच्चे को होश आने पर ORS का घोल पिलाएं। बच्चे को करवट इस प्रकार लिटाएं ताकि उसकी गर्दन सीधी तथा तनी रहे। पूरे शरीर को ताजे साफ पानी में सूती कपड़े से भिंगो कर पोछें एवं पंखा से हवा करते रहें, ताकि शरीर का तापमान कम हो सके एवं बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। चमकी बुखार के लक्षण दिखने पर क्या नहीं करनी चाहिए? बच्चे को कंबल या गर्म कपड़ों में ना लपेटें। बच्चे की नाक बंद नहीं करें। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुंह से कुछ भी ना दें। बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखें। जो प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, अतः बच्चे के इलाज में ओझा गुनी में समय नष्ट ना करें। चमकी बुखार की प्रिवेंटिव मेडिसिन निरोधक दवा। प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में अपने बच्चों को बेलाडोना की 200 पोटेंसी की एक खुराक प्रत्येक 4 दिनों पर देते रहें, जब तक कि बीमारी का प्रकोप समाप्त नहीं हो जाता है। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि चमकी बुखार क्या है, चमकी बुखार के सभी कारणों को एवं लीची को क्यों जोड़ा जा रहा है चमकी बुखार से। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी चमकी बुखार की सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की होम्योपैथी से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।